स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म. पूछा गया कि लाइट रिएक्शन में इनमें से क्या फॉर्म होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे लाइट रिएक्शन में, जैसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अगर हम देखें, वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये क्या है PS2, ये क्या है PS2, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, P680 वाला है यहाँ पे. यहाँ पे जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, इससे ये वाला जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा, तो एक्सेप्ट कौन करेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट प्लास्टोक्विनॉन कर रहा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन स्टोमा से ये ले रहा है, एंड यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना रहा है, PQS2. नाउ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ करेगा, जो साइटोक्रोम B6F है, जो साइटोक्रोम B6F है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, एंड प्रोटॉन जो है यहाँ पे नीचे ल्यूमेन में चला जाएगा. यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है ल्यूमेन, और ये क्या है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और बाहर की तरफ क्या होगा स्ट्रोमा होगा. नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको ट्रांसफर करेगा, प्लास्टोसाइनिन. प्लास्टोसाइनिन जो है किसको ट्रांसफर करेगा, ये जो PS1 है, PS1 में कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल P700 वाला जो है, ये क्लोरोफिल ए का ये वाला मॉलिक्यूल है. तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, इससे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा यहाँ पे, फेरेडॉक्सिन. एंड फेरेडॉक्सिन से किसके पास जाएगा, FNR, ये जो NADP रिडक्टेज है उसके पास. और ये क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा किसका, ये जो NADP प्लस है इसका रिडक्शन करेगा, और इससे क्या बनेगा NADPH. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो प्रोटॉन जो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोटोलिसिस भी होगा, और जब फोटोलिसिस होगा यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पे, दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्रोटॉन यहाँ पे कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ये जो ATP सिंथेस जो होगा इसका, यहाँ से अगर हम देखें ATP सिंथेस के थ्रू, यहाँ से जो है इसमें जो दो यूनिट है यहाँ पे, ये वाला कौन सा है, ये जो है ये वाला F0 है, ये अंदर वाला F0 है, और ये वाला कौन सा F1 यूनिट है. तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन इसके थ्रू जो है ये कहाँ जाएगा, स्ट्रोमा में, और क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टूवर्ड मूव कर रहा है, और जब ये रोटेट करेगा F1 यूनिट, तो इससे क्या होगा ATP सिंथेसिस होगा यहाँ पे. अगर हम देखें यहाँ सिंथेसिस, यहाँ पे फॉर्म क्या क्या हो रहा है, एक तो ATP, एक NADPH भी फॉर्म हो रहा है, एंड इसके अलावा अगर हम देखें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे. तो ये तीन चीज़ है. सो ATP एंड शुगर, ये तो गलत है, ये शुगर तो हो नहीं रहा यहाँ पे, ये तो गलत दिया है, यहाँ पे नहीं होता. हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, यहाँ पे शुगर दिया है तो ये तो गलत दिया हुआ है. ATP, NADPH प्लस H+ एंड O2, ये सही दिया हुआ है, ये तीनों बन रहे हैं. ATP हाइड्रोजन एंड O2 डोनर, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन O2 डोनर दिया हुआ है, NADPH नहीं दिया है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करेक्ट आंसर, दिस थर्ड वन वो भी अंडरस्टूड क्वेश्चन. थैंक यू ऑल द बेस्ट.